हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ही रेयर किसी वीडियोस में आपको दिखाई देगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझिए, इसके बेसिक्स को क्लियर कीजिए और जब बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छे से अपना जो भी कंसेप्ट होगा उसको आगे ले जा सकते हैं और उसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। आज ही हमारा जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं थी, उसमें जो क्वेश्चंस थे दैट वर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस के लिए ही मैं आरडी के क्वेश्चंस आपको देती हूँ ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। आइडेंटिफाई ग्राफ ऑफ ऑन लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कुछ ग्राफ गिवन है, इन ग्राफ में आपको ये चेक करना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा ग्राफ क्या होगा हमारा क्यूबिक। यहां से हमने ये देखा कि जैसे ही आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है तो हमने डिग्री को चेक किया था, डिग्री में एक्स की पावर अगर 1 थी तो लीनियर ग्राफ था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो क्या बन रहा था हमारा पैराबोला शेप, पैराबोलिक शेप था, तो हमने कहा कि वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। और साथ में अगर वो क्या करता है, कर्व देता है और क्या करता है, जीरोस कितने आते हैं उसके, 3 आते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो आज हम क्या करते हैं उसी कंसेप्ट को ही देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है आपको, इट इज पैराबोलिक। क्या ऐसा है, पैराबोलिक, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक। आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ठीक है, कैसा ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक। यहां देखिए एक लाइन दिखाई दे रही है, जो ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आप नंबर ऑफ जीरोस भी इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर जब कट करेगा इट मींस कैसा ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ। आंसर क्या आएगा इसका, लीनियर ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट, यहां आप देखिए कि ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, फोर पॉइंट्स पे कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक। कैसे पॉलिनोमियल होगी, बाय क्वाड्रेटिक। एक्स की पावर कितना आएगा यहां पर, 4 आ जाएगा, राइट। यहां देखो ये जो है ग्राफ कैसा है, पॉलिनोमियल। अब कुछ बच्चों ने मुझसे ये पॉइंट किया कि यहां पर जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, यस द रूट्स विल बी 2। दो यहां पर रूट्स आएंगे बट दोनों के दोनों जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप पीछे वाली वीडियो को जरूर चेक करो, उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ के भी कितने कितने किस किस पॉइंट पर क्या केसेस बन सकते हैं। कई बार ऐसा होगा वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा, कभी ऐसा होगा वो 2 पॉइंट पर कट करेगा, और कभी ऐसा होगा वो कट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक ही होगा, बट जीरोस वहां पर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि ये जो जीरोस होंगे अगर वो क्या कर रहा है, 2 अलग 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 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, रियल भी आएगा, है ना। और यहां पर क्या, यहां पर कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे वैसे तो, बट यहां पर हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। और आप ये देखें कि ये जो जीरोस आएंगे वो एक पॉइंट पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब क्वाड्रेटिक है तो एक्स की पावर कितनी है, 2, तो जीरोस कितने आने चाहिए, 2 जीरोस होने चाहिए, बट ये जीरोस कैसे होंगे, इक्वल। अगर यहाँ पर पॉइंट आ रहा है आपका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो कैसे होगा, जीरोस होंगे, 2,2। मींस एक्स एक्सिस को अगर कोई पैराबोला टच करता है तो उसके रूट्स कैसे बन जाते हैं, इक्वल रियल रूट्स। कैसे बनेंगे, इक्वल रियल रूट्स, राइट। अगर कोई ऐसा पैराबोला आए, वो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, तो कैसे रूट्स होंगे, क्या यहाँ पर रूट्स बनेंगे, रूट्स बनेंगे, बट कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, जीरोस तो 2 आती है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा आए कि पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, तो आप देखेंगे कि अगर ग्राफ को उसने 2 बार कट किया तो आंसर आएगा 2, अगर वो ग्राफ को 1 बार कट करता है तो आंसर क्या आएगा, 1, अगर ग्राफ को
एक्स एक्सिस क्या करता है, चार बार कट करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर चार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टाइम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा वन। यहां से आप देखिए ये पॉइंट आ रहा है वन और ये क्या आ रहा है टू। ग्राफ हमारे पास ये है, लेकिन ये ग्राफ कैसा है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। कैसा आंसर आएगा इसका, क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखेंगे कि जब भी जो हमारे पास ग्राफ होगा अगर वो पैराबोला है तो हम कहेंगे कि पॉलीनोमियल कैसा होगा हमारा, कैसा होगा क्वाड्रेटिक, कैसा होगा क्वाड्रेटिक। अगर वो एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और अगर आप देखते हैं वो एक लाइन है, क्या है लाइन, तो हम कहेंगे कि वो कैसा पॉलीनोमियल होगा, लीनियर पॉलीनोमियल। देन सेकंड स्टेप हमने ये देखा कि अगर आपको एक कर्व दिखाई देता है तो जो कर्व होंगे वो क्या मिलेंगे आपको, क्यूबिक पॉलीनोमियल, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन। ये जो ग्राफ है वो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आइडेंटिफाई द साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ये पता करके बताएंगे कि ए बी सी, ये बताओ कि ए क्या होगा, ए का साइन कैसा होगा, बी कैसा होगा और सी कैसा। तो सबसे पहले बहुत ही एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं, कैसे देखो हम क्या करते हैं, ए के बारे में ये चेक करते हैं कि ए कैसा होगा। ये जो ए होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट डिपेंड ऑन द पैराबोला। कैसा, कि अगर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, इफ इट ओपन्स अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसको ऐसे याद करते हैं, देखो अगर कोई भी पर्सन है वो स्माइल करता है, स्माइल करता है, ये ग्राफ बन रहा है, तो हमेशा वो क्या करेगा, पॉजिटिविटी देगा, राइट। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ, ऊपर की तरफ स्माइल कर रहा है, तो क्या देगा, पॉजिटिविटी। इट मींस ये कैसा हो गया, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। देन अगर ये पैराबोला इस तरह से मींस सैड फेस बना हुआ है, देखो कैसा फेस बना हुआ है, सैड फेस, नेगेटिव है, लेस है, किससे, जीरो से, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ए के साइन। मींस इफ इट ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ये नीचे की तरफ है, डाउन साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, राइट। देन दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा सी है, हम बी के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बट मैं ये चाहती हूँ कि हर एक कंसेप्ट, देखो है तो ये टेंथ का ही कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से लाई हूँ, बट दिस विल प्रिपेयर यू टू अंडरस्टैंड द अदर क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस को समझ, या तो रट्टा लगाओ 10 क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी करो और काम खत्म करो, बट दैट इज ओनली फॉर द पासिंग मार्क्स। आपके आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, बट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हर एक छोटी से छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड स्कोरिंग, दैट इज द अनदर थिंग। मींस अलग अलग चीजें हैं, वहां पर आप कंफ्यूज मत हो कि मैम आप ये क्या करवा रहे हो, ये जो कंसेप्ट है दैट विल हेल्प यू इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन योर दिस अपकमिंग क्लासेस, जो भी आपकी आगे आने वाली क्लासेस होंगी, कोई भी आप टेस्ट देते हैं वहां पर आप कभी नहीं सोचोगे कि ये क्या कंसेप्ट था। आप इन वीडियोस को चेक कीजिए और आपका ए टू जेड जो भी कंसेप्ट होंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, अगर आप कुछ अपनी जिंदगी में आगे करना चाहते हो तो। यहां से हम बात करते हैं किसकी, सी की। अब देखो ये जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, हमारी वाई एक्सिस को कट करता है, वाई एक्सिस को, कैसे भी ग्राफ होगा वो क्या करेगा, उसको कट करेगा, ठीक है। अब ये y एक्सिस को जब कट करता है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्या बोला जाता है इसको, y इंटरसेप्ट। अगर ये ग्राफ हमारी, देखो यहां पर ये जीरो होता है, ये ऊपर वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी पॉजिटिव y एक्सिस, सबको पता है, ठीक है। ये नीचे वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। अब जरा समझिए, अगर ये जो हमारा पैराबोला होगा ग्राफ को ऊपर कट करेगा, मींस पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट देगा, हम कहेंगे सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये यहां पर नीचे कट कर रहा है, जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो आप देख रहे हैं ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस को कहां कट किया, नेगेटिव पे, ये नेगेटिव जीरो से ये एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, इट मींस यहां पर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा,
लेस देन जीरो, छोटी सी बात थी, ए इफ ओपन अपवर्ड, ए इफ ए ओपन्स डाउनवर्ड देन ए इज लेस देन जीरो। देन कम टू सी, सी के बारे में हमने क्या सीखा कि अगर ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करता है तो c ग्रेटर देन 0, नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा तो क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर अबाउट b। अब देखो ये b के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से समझिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। सी हियर वी हैव अ ग्राफ, वी हैव टू टेल अबाउट a b c। सो फर्स्ट कम टू a, a पर आते हैं। a हमने कहा अगर वो सैड फेस बना रहा है तो क्या होगा, a लेस देन 0, काम खत्म। नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ c। अब देखो ये जो ग्राफ है उसने हमारी y एक्सिस, ये ना y एक्सिस, ये है y, y को कहां कट कर रहे हैं देखना जरा, इट कट इट एट पॉजिटिव y एक्सिस। कौन सी y एक्सिस है हमारी, पॉजिटिव y एक्सिस। इट मींस c क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। नाउ कम टू माइनस b बाय 2a। देखो अब हम b पे आते हैं, देखो ये जो a है, a होता है ना ये पॉइंट जो सबसे यहाँ पर आपको कॉर्नर पे दिखाई देगा, है ना, अगर ग्राफ ये देंगे ये डाउन साइड यहाँ पर और अप साइड यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या होते हैं, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स ए कौन से क्वाड्रेंट में है, आप क्या चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो अब जरा क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, ये होता है हमारे पास, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ इफ इट इज हियर, अगर ए पॉइंट फर्स्ट में या फोर्थ में है तो आप देखो फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, ये देखो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो यहाँ जहां पर भी अगर ए आएगा तो यहाँ पर एक्स को अगर आप मैच करेंगे मींस मिलाएंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। या तो आप याद कर लें इस चीज को या फिर आप सोचने वाली बात है, मान लो आपने ग्राफ बनाया ऐसे और पॉइंट आ गया 2,1, है ना, तो ये जो 2 होगा इट मींस कैसा हो गया, पॉजिटिव, ऑब्वियस। ओके, यहां से हम कह रहे हैं कि अगर ये हमारा ग्राफ ऐसे है तो यहाँ पर अगर पॉइंट है 5, इट मींस क्या कि ये जो a होगा, ये जो पॉइंट होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इट मींस यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर फर्स्ट और फोर्थ में हमारा a पॉइंट आए, कौन पॉइंट आए, a या फिर कह सकते हैं वर्टेक्स, तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। नाउ इफ इट इज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड और थर्ड में है, ध्यान से समझिए, सेकंड और थर्ड में हमारी जो x एक्सिस होती है वो वैल्यूज कैसी देती है, नेगेटिव। जैसे सोचने वाली बात है ये ग्राफ है, अब यहाँ पर नेगेटिव होगी ना, x कैसा होगा, नेगेटिव, तो इट मींस यहाँ पर माइनस b बाय da, मींस जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, माइनस 5, क्लियर। तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, कैसी होगी, लेस देन 0। अब ये पॉइंट कैसे आपको हेल्प करेंगे, देखिए हमने बात करी a और c की, a और c के बाद हम बात करते हैं किसकी, b की। तो b देखो हमने कहा a का कौन सा क्वाड्रेंट, ये देखिए ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, पॉजिटिव, मींस ये जो पॉइंट है ये मींस x कोऑर्डिनेट इसको क्या हो जा, सो हियर इन दिस वी विल सी द साइन ऑफ माइनस b बाय 2a। अब हम क्या करेंगे, माइनस बी बाय 2a को देखते हैं। अब देखो ये जो माइनस बी बाय 2a है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। माइनस बी बाय 2a को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। नाउ जब भी आप नेगेटिव वैल्यू को हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो माइनस बी क्या था, ग्रेटर देन 0, जैसी नेगेटिव को हटाया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। अभी मैं ये बिल्कुल अभी बताती हूँ कि ये क्यों किया हमने ऐसा, ठीक है, बस आप एक बात माइंड में रखना कि जब भी आप क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करोगे ना तो साइन को क्या कर देना, अपोजिट कर देना, मींस ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस। अगेन वी नीड बी, मुझे तो बी का साइन चेक करना है ना, माइनस बी से लेना देना नहीं है, तो नेगेटिव को फिर हटाने वाले हैं, तो यहां से नेगेटिव को हटाया
तो वैल्यू क्या हो गई, बी ग्रेटर देन जीरो. राइट, नाउ हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी. नाउ कैन यू सी माइनस थ्री दैट इज लेस देन जीरो. रीजन देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है. माइनस थ्री जो है वो जीरो से लेस होता है. नेगेटिव को जब आप हटाओगे तो आप देखें कि जैसे आपने थ्री लिखा तो क्या अब भी लेस होगा, थ्री तो जीरो से बड़ा होता है. तो इट मीन्स यहाँ पर साइन को क्या होना पड़ा, चेंज होना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जैसे ही नेगेटिव वैल्यूज को हटाते जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, साइन चेंज होगा. अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैम यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो होता तो क्या यहाँ पर साइन चेंज होता, तो नो इट विल नॉट अफेक्टेड. अगर थ्री ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा. आपको लेना है देना ही नहीं है इससे, नेगेटिव से. ठीक है, अब जैसे आप देखें माइनस फोर लेस है माइनस थ्री से. राइट, तो नेगेटिव को जैसे हटाएंगे तो फोर क्या यहाँ लेस होगा, नो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी. समझ में आया. यहां से आपने सीखा कि बी की वैल्यू को कैसे चेक करते हैं. सी, सी में बता ही चुकी हूं कि जो सी होगा वो कौन देखेगा, कहां से पता चलेगा, जब ग्राफ हमारी वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है, पॉजिटिव पर. तो इट मींस सी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. तो दीज आर द थ्री पॉइंट्स यू हैव टू चेक. ए कैसा है, लेस देन जीरो. बी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो. और सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट इन दिस ग्राफ. कैन यू सी हियर हाउ द ग्राफ इज स्माइलिंग. सो इफ इट इज स्माइल, सो इफ इट स्माइल वी से द ए विल बी कैसा होगा, पॉजिटिविटी दे रहा है ना, तो ये कैसा होगा, जीरो से बड़ा होगा. राइट, नाउ नाउ कम टू दिस पॉइंट ए. आप देख सकते हैं ये ए पॉइंट कहाँ है, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हम कहेंगे माइनस बी बाय टू ए जो होगा वो कैसा होगा, यहां से ग्रेटर देन जीरो होगा. क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स होता है वो कैसा होता है, जीरो से बड़ा. नाउ कम टू दिस, यहां पर आप कह रहे हो टू ए और ए कैसा है, जीरो से बड़ा. आप किसी पॉजिटिव वैल्यू को हटाने वाले हो तो क्या यहां पर साइन चेंज होगा, नो. बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा. राइट, नेगेटिव बी है, मुझे बी से मतलब है, मींस नेगेटिव को भी हटाओ. अब यहां से बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो. हमें नेगेटिव वैल्यू से नहीं लेना देना, मींस उसको हटाना पड़ेगा. तो ये जो साइन होगा दोबारा से क्या होगा, चेंज, और वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो. मींस ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. नाउ कम टू सी. अब ये देखिए जो सी है वो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कहाँ पर, बिल्कुल नीचे, मींस ओरिजिन से नीचे, मींस नेगेटिव वाई एक्सिस पर. तो सी को क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए. देखिए आप कंसेप्ट समझिए कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं. तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो ये वीडियोस हैं उनको आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी अच्छे कंसेप्ट को इनको समझ सकें. ये जो है ना एनसीईआरटी, दैट इज वेरी वेरी गुड. बट वहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे. आरडी में आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होगा वो भी वहां पर इंक्रीज होगा. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. आप जरूर देखें कि क्या यहाँ पर कंसेप्ट है. साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर ये पूछा जाएगा ए बी सी ये जो वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को बस दो तीन चार, मींस एक क्वेश्चन के बजाय इसकी मैंने टाइप्स ली. ठीक है, नाउ क्या कम टू द नेक्स्ट वन. इन दिस क्वेश्चन कैन यू सी द ग्राफ. यहाँ पर जो ग्राफ है स्माइल कर रहा है, बिल्कुल ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ए को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए. नाउ सी द वर्टेक्स. वर्टेक्स जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है जो एक्स होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन जीरो. ए बी जीरो से बड़ा, तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल हटा दो. नहीं, यहां पर ए को जैसे ही हटाया तो साइन को क्या रखो, सेम रखो. नाउ नेगेटिव को हटा रहे हैं, अब चेंज कर दो, बी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो. नाउ कम टू सी. यहां देखिए जो सी है वो हमारी वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट को कट कर रहा है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, किसको कट कर रहा है, पॉजिटिव को. तो
तो यहां से जो c होगा वो कैसा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया? ठीक है, नाउ कम टू दिस। यहां देखिए, यहां क्या समझ में आता है आपको, देखो कैसा है ए, जरा कमेंट बॉक्स में भी बताइए और आंसर कीजिए। बिल्कुल पॉज करो वीडियो को और चेक करो कि यहाँ पर ए बी सी क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी इट। यहां से ए ग्रेटर नहीं है, कैसा है, लेस, सैड फेस है, तो जीरो से लेस। ए, ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस बी बाय टू ए को क्या होना चाहिए, यहां पर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। राइट, नाउ ए लेस है ना, नेगेटिव वैल्यू जैसी हटेगी तो आप क्या करोगे, साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, फिर दोबारा नेगेटिव है, दोबारा चेंज कर दो, बी कैसा आ गया, ग्रेटर देन जीरो। राइट, नाउ सी द वैल्यू ऑफ सी, यहां से जो सी है वो क्या है, यहां से जीरो से क्या है, लेस, जीरो से अगर लेस है मींस नेगेटिव वाई एक्सिस है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो सी होता है वो कैसा होता है, लेस देन जीरो होता है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, हमने चेक किया ए कैसा होगा, बी कैसा होगा और सी कैसा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप चेक करें, यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, सो इट मींस ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब बात आती है बी की, कहोगे मैम ये तो क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो आप देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर यहाँ पर माइनस बी बाय टू कौन सी है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। ए कैसा है, ग्रेटर, ग्रेटर को हटाएंगे तो साइन क्या रहेगा, एज इट इज मींस माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव को हटा रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, बी आ गया। अब चेक करो सी, सी क्या है यहां पर, देखिए ये जो है ये हमारी वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, पॉजिटिव में ना, एंड नेगेटिव पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो सी को भी क्या होना चाहिए, यहां पर ग्रेटर देन जीरो। मैं एक ग्राफ आपके लिए कर रही हूं, यहां देखो ये, अब इस ग्राफ को चेक करो जरा, ये इस ग्राफ यहां पर, एक मिनट, यहां पर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये क्यों लिया मैंने, यहां पर जो ग्राफ है थोड़ा सा डिफरेंट लिया ताकि आपको एक अलग सा कंसेप्ट समझ में आए। अब यहां क्या है देखिए, यहां पर ग्राफ ए जो है वो क्या रहेगा, जीरो से बड़ा। ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां देखिए ये जो है ये हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस बी बाय टू ए जो है वो कैसा होता है, सोचिए यहां पर ये एक्स एक्सिस कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, इट मींस माइनस बी बाय टू ए को क्या होना चाहिए, लेस, ए तो जीरो से बड़ा है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट मींस माइनस बी क्या रहेगा यहां पर, सॉरी यहां पर साइन क्या रहेगा, लेस देन जीरो ही रहेगा। नेगेटिव को फिर हटाओ, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर ग्रेटर देन जीरो, साइन को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ सी, सी देखो जीरो से बड़ा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और पॉजिटिव पर वैल्यू कैसी होती है, कैसी होती है, सी ग्रेटर देन जीरो। तो आपने देखा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्राफ के लिए ए बी और सी की साइन को चेक कर सकते हैं, कि कैसे हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्राफ से ये चेक करें कि ए कैसा होता है, बी कैसा होता है और सी कैसा होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल डेफिनेटली गिव द डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफ द आरडी क्वेश्चंस, अलग अलग कंसेप्ट को हम क्या करेंगे अपने इस पूरे कोर्स में लाएंगे, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आए। थैंक यू।